हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह, स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ, उस टॉपिक का नाम है एवरेज सैलरी ऑफ अ फ्रेशर कंपनी सेक्रेटरी। बहुत सारे हमारे सीएस वाले बच्चे मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर इसके बारे में बताओ, हमने अभी नई नई ट्वेल्थ करी है, हमारे को कितनी सैलरी लग जाएगी बनने के बाद। और कुछ एग्जिस्टिंग बच्चे जो ऑलरेडी सीएस कर भी रहे हैं, उनको भी ये डाउट रहता ही है। ऑल तो मैंने बहुत पहले चैनल के ऊपर वीडियो डाली भी हुई है इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन स्टिल बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे, सोचा एक फ्रेश वीडियो बना दे आज के हालात के हिसाब से। बड़े ध्यान से सुनना बेटा। अच्छा, मैं ये सब डिटेल में क्यों बता पाऊंगा, क्योंकि बेटा मैं ऑल्सो कंपनी सेक्रेटरी। मैंने तो खैर बहुत कुछ किया हुआ है। मैंने सीएस की हुई है, बीकॉम की हुई है, एमकॉम की हुई है, एमबीए फाइनेंस की हुई है, एमबीए मार्केटिंग की हुई है, साइबर लॉ स्पेशलाइजेशन की हुई है, एलएलबी की हुई है। तो लेकिन स्टिल मैं खाली सीएस के बेस के बारे में बात करूंगा, और बड़े ध्यान से सुनते चलना। देखो, एवरेज सैलरी तुमको बहुत सारे टीचर ना बहुत बड़े सपने दिखाएंगे कि सीएस करोड़ों रुपए कमाते हैं, 5 करोड़ रुपए सैलरी है उनकी, 10 करोड़ रुपए सैलरी है। होती है, सबकी नहीं होती है। वो गिने चुने हैं, सिलेक्टेड है, मैं उनके बारे में भी बात करूंगा और एवरेज के बारे में बात करूंगा, सबके बारे में बात करेंगे। अगर मैं एवरेज सैलरी की बात करूं पर मंथ के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो जो एवरेज सैलरी आप लोगों की सीएस की लगती है ना, वो लगती है 30K to 40K पर मंथ के बीच में स्टार्टिंग। अच्छा, मैं एवरेज क्यों बोल रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि इतनी लगेगी। मैंने ऐसे ऐसे सीएस भी देखे हैं फ्रेशर, जिनकी स्टार्टिंग सैलरी ही 60,000-70K पर मंथ लगती है। मैंने ऐसे ऐसे भी देखे हैं जिनकी सैलरी 25,000 पर महीना भी लगती है, 25K to 30K पर मंथ भी लगती है। तो 30,000 जरूरी नहीं 30 लगेगी, 30 से कम भी लग सकती है, 40 भी लग सकती है। ये डिपेंड पता है किस पे करता है, बहुत सारे फैक्टर्स पे, खाली एक फैक्टर पे नहीं, कई सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं आज, मैं उनके बारे में बताऊंगा, और जो करोड़ों नहीं कमा रहे मैं उनके बारे में बताऊंगा, सबके बारे में बात करूंगा। देखो, इसलिए मैंने एवरेज लिखा, एवरेज का मतलब पर मंथ के हिसाब से बता रहा हूं। एक महीने की सैलरी 30,000 से 40,000 के बीच में होती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये क्या है, बड़े ध्यान से सुनना और बड़े ध्यान से समझना मैं क्या बोलने जा रहा हूं। अच्छा, एक बात बताओ, तुम पांच दोस्तों, पांचों ने ICSI को ICS इंस्टीट्यूट में सेम टाइम पे एडमिशन लिया। मान लो पांचों ने सेम टाइम पे इंस्टीट्यूट से डिग्री क्वालिफाई भी कर ली। मान लेते कि पांचों दोस्तों की परसेंटेज भी सेम थी, लेकिन क्या सारे दोस्तों का पैकेज सेम लगेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि खाली डिग्री के बेस पे कुछ नहीं होगा, आपकी ओवरऑल चीजें देखी जाती है, द वे यू स्पीक, द वे यू प्रेजेंट, आपने किस कंपनी में आर्टिकलशिप करी थी, आपका एक्सपीरियंस कैसा था, आपने क्या क्या लर्निंग करी थी, आपने किस किस फील्ड में काम करा था, आपको कितना एक्सपीरियंस है, कितना तजुर्बा है, आपने कितने टाइम में क्वालिफाई करी थी। फर्स्ट शॉट में क्वालिफाई करती थी तो उसका पैकेज में फर्क होता है, आपने लटक लटक के क्वालिफाई करी थी उसके पैकेज में भी फर्क होता है। मैं ये नहीं कह रहा कहीं से भी कि अगर आप 2-4 अटेम्प्ट लगाकर, मैं भी फेल हुआ था, कि आप 2-4 अटेम्प्ट लगाकर फेल हो तो आप जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं बन सकते। बन सकते, बिल्कुल बन सकते, और बहुत लोग बनते हैं। मैं खुद बहुत सक्सेसफुल हूं, तो भगवान ने इतना ब्लेस करा हमारे को, तो ऐसा नहीं कि मैं वन शॉट क्वालिफाई हुआ था। लेकिन अगर मैं नॉर्मल हिसाब से बात करूं तो ऐसा होता है कि जब आप फेल होते हो तो कंपनी वालों के लिए एक परसेप्शन होती है कि अरे बच्चा फेल हुआ है तो उसको थोड़ा सा पैकेज कम मिलता है एज कम्पेयर टू वो लोग जो फर्स्ट शॉट में क्वालिफाई करके आए, जो रैंक लेके आए। तो उस पे डिसाइड करता है तुम्हारी बोलते कैसे हो, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस कैसा है, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे, तुम्हारा आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस क्या है, इन सब चीजों के बेस पे तुम्हारा डिसाइड होता है पे पैकेज। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेचारे उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, बहुत सारे लोगों का ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं होता, बहुत सारे लोगों को बात करने की तमीज नहीं होती है ना, तो खाली डिग्री लेके कुछ नहीं होता। तो ऐसे लोगों को 25-30 हज़ार रुपए की तनख्वाह लगती है। बहुत सारे लोग ऐसे जिनको सब कुछ अच्छा है लेकिन उन्होंने आर्टिकलशिप ही नहीं कर रखी, ऑन पेपर काम सीखा था। एक्चुअल में क्या होता है, जब सीएस आप करते हो तो आपको 2 ईयर्स की आर्टिकलशिप करनी होती है, आर्टिकलशिप में ट्रेनिंग करनी होती है किसी सीएस के अंडर। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसकी डमी ले लेते हैं। डमी का मतलब होता है कि वो एक्चुअल में ऑफिस जाते ही नहीं है, वो ऑफिस नहीं जाते, वो ऑन पेपर कागज पर लिखवा देते हैं कि भाई लिख के दे दियो, किसी सीएस को बोल देते हैं कि लिख के दे दियो कि भाई मैं तेरे ऑफिस आया था, लेकिन एक्चुअल में वो ऑफिस नहीं आते। जब तुम गधों की तरह तुम लर्निंग लोगे ही नहीं, तुम ऑफिस में जाके काम सीखोगे नहीं, तुम्हारे को पैकेज देगा कौन। तो ऐसे लोगों को तो 20-20 हज़ार, 15-15 हज़ार के लिए लोग मोहताज हो जाते हैं। फिर ऐसे घटिया सीएस मार्केट में जब जाते हैं ना, तो ये लोग बोलते हैं सीएस की वैल्यू नहीं रही यार, सीएस का स्कोप नहीं रहा, मजा नहीं आया इतनी मेहनत करने के बाद भी। अबे भाई गधों, तुमको मेहनत जहां करनी चाहिए तुमने वहां तो की नहीं, जहां तुम्हारे को पढ़ाई में मेहनत तुमने करी उतनी ही इक्विवेलेंट मेहनत आर्टिकलशिप में भी करनी चाहिए थी। तुमने बुकिश पढ़ लिया, तुम उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना आया ही नहीं, तो तुम्हारे को पैकेज देगा कौन, जब तुम इंडस्ट्री ओरिएंटेड हुए ही नहीं।
सीएस इंस्टीट्यूट ने जब आर्टिकलशिप मैंडेटरी रखी तो कुछ सोच के रखी होगी ना कि इस चीज को प्रैक्टिकली अप्लाई करना भी आना चाहिए। कभी कोई डॉक्टर ऐसा देखा जो बोले कि भाई मैं डॉक्टर दूं, मेरे को ऑपरेशन करना नहीं आता, मेरे को पेशेंट देखना नहीं आता, मेरे हाथ कांपते हैं, ऐसे डॉक्टर होते हैं? नहीं। अगर उसको देखना ही नहीं आता तो उसकी डिग्री बेकार है ना, दिखावे की डिग्री है। और मेरे ऐसे बहुत सारे लोग जानता हूं डमी लेते हैं, आर्टिकलशिप नहीं करते, फिर ऐसे लोग बाहर जाके बोलते हैं यार मजा नहीं आया कोर्स में, दो दो तीन तीन महीने की आर्टिकलशिप करेंगे धक्के खाएंगे। तो पता क्या बोलते हैं, यार कंपनी लोग के काम में ना मजा नहीं आ रहा, कंपनी लोग ने आता ही नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हमारा कंपनी लोग कोर होता है, सैबी लोग कोर होते हैं। आज मैं उनसे 5 सेक्शन पूछूंगा ना मुंह उतर जाएगा उनका, और मेरे को मैसेज करके बोल रहे होते हैं सर कंपनी लोग में ना इंटरेस्ट नहीं आ रहा, क्योंकि और अगर तुम्हारे को सीएस बनने के बाद कंपनी लोग में इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो बेटा तुम्हारी जिंदगी झंड है ना, और करी क्यों थी। ये वही लोग हैं जिन लोगों को कंपनी लोग आता नहीं था, रट्टे मार के पास हुए हैं, जिन लोगों को लिंकिंग करनी नहीं आती, फिर जब ऑफिस में जाते हैं ना जलील होते हैं लोग, इनका बॉस इनकी बेइज्जती करता है, तुम्हें ये भी नहीं आता, तुम्हें ये भी नहीं आता, फिर ये लोग बाहर जाके गाते हैं कि यार कोर्स में दम नहीं है, कोई और फील्ड करनी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी डिग्री, आपकी नॉलेज, आपकी आर्टिकलशिप, ये सारे फैक्टर डिसाइड करते हैं कि आपकी सैलरी कितनी होगी। कोई एक सिंगल फैक्टर नहीं है जो आपकी सैलरी बता दे, लेकिन स्टिल बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं एवरेज सैलरी कितनी, तो बेटा 30,000 से 40,000 के महीने के बीच में 60-70,000 रुपये स्टार्टिंग भी लगती है, 1-1,00,000 रुपये महीना भी स्टार्टिंग लगती है, और 20-25,000 रुपये महीना भी स्टार्टिंग लगती है। प्लस अभी तुम्हारे का भी हाईएस्ट पैकेज की अगर मैं बात करूँ तो पीछे ICSEI के जाके उनकी साइट पर चेक कर लेना, ICSEI ने हाईएस्ट पैकेज लिखा है, इंडियन ऑयल में सिलेक्शन होता है, आई थिंक मैं कंपनी का नाम भूल गया, हाईएस्ट पैकेज फ्रेशर को जो गया, फ्रेशर को बोल रहा हूँ मैं, फ्रेशर सीएस को जो मिला था वो 16,00,000 रुपये पर एनम मिला था, 16 लाख पर एनम, एक साल का 16 लाख का पैकेज मिला था। अभी पीछे किसी एक को 22 लाख का भी मिला था पर एनम का। और अगर मैं करोड़ की बात करूं तो करोड़ वाले तो बहुत हैं, अगर वैसे मैं तुम्हारे को बात करूं रिलायंस के सीएस हैं, रिलायंस कंपनी के जो सीएस हैं उनका नाम है सीएस सेतुरमन, सेतुरमन नाम है उनका, उनकी सैलरी आई थिंक 3-4 करोड़ के बीच में, 2-3 करोड़ के बीच में पर एनम एक साल की सैलरी। एक हिंदुस्तान यूनिलीवर के सीएस हैं देव वाजपेयी सर, इनकी सैलरी 4-5 करोड़ पर एनम के बीच में है। और ऐसे बहुत सारे प्रोफेशन है जिनकी, ऐसे बहुत सारे सीएस है जिनकी सैलरी करोड़ में भी है, लेकिन ये बहुत सारे, लेकिन आपको ग्राउंड लेवल पर रियलिटी पता होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा आप यहां तक नहीं जा सकते, बिल्कुल जा सकते, लेकिन ग्राउंड लेवल की रियलिटी पता होनी चाहिए कि कितनी है। और कोर्स एकदम आंख बंद करके करो। जो लोग बोलते हैं ना कि इस प्रोफेशन का स्कोप कम है, उसका कम है, यार आजकल तो सीएस हर कोई कर रहा है, बेटा कर ही रहा है, बनते कितने हैं, कर ही रहा है, करने दो, जनता करती है, बनते तो नहीं है ना। तो ये थे पूरी जो तुम्हारे को मैंने डिटेल बताई, एवरेज से लेकर हाईएस्ट से लेकर करोड़ों में भी होती है, लेकिन बेस पता होना चाहिए, ग्राउंड रियलिटी। अच्छा, और बच्चे जो हमारे बारे में पूछ रहे थे, बेटा हम लोग सीएस की क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, अगर आपको हमारे से क्लासेस लेनी है आप सीएस की क्लासेस ले सकते हो, ये आपको हमारा चैनल पर दिख रहा है। और अगर आपको हमारा ना सीएस का ब्रॉडकास्ट बना हुआ है, व्हाट्सएप पे सीएस का ब्रॉडकास्ट बनाते हैं हम लोग, तो अगर आपको उस ब्रॉडकास्ट में ऐड होना तो मेरे को व्हाट्सएप पे लिख के भेजना हाय आपका नेम एक्स वाई जेड जो भी है, आपका लेवल, लेवल में आप लिखोगे सीएस ईटी, या आप सीएस एग्जीक्यूटिव में हो तो सीएस एग्जी, या सीएस प्रोफेशनल में हो तो सीएस प्रोफेशनल, इनमें से जिसमें भी लिखते ना, ताकि आपको ना हमारे सीएस से रिलेटेड जितने भी अपडेट हैं वो आपके फोन पे आ जाएंगे। आप व्हाट्सएप पे अगर ब्रॉडकास्ट में ऐड होना चाहो तो ऐड हो सकते हो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉल नहीं करनी, सिर्फ मैसेज करना। और एक चीज मैं क्लियर कर दूं बेटा कि ये ब्रॉडकास्ट है, ये ग्रुप नहीं है। इसमें क्या होगा, ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है कि जब मैं आपको ऐड करूंगा तो आपको ऐड होने का कोई मैसेज नहीं आएगा, आपको अदर मेंबर नहीं दिखेंगे, लेकिन जो अदर मेंबर जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में दिखते हैं वो नहीं दिखेंगे, लेकिन जो भी मैं अपडेट भेजूंगा वो आप पे आ जाएगा। बाकी आपको क्लासेस वगैरह चाहिए तो वो भी ले सकते हैं इस नंबर पर हमसे इंक्वायरी करके। सीएसईटी के अंदर फिलहाल हम डील नहीं कर रहे, एग्जीक्यूटिव वगैरह में डील करते हैं, अब इनकी क्लासेस लेनी हो तो आप ले सकते हो। ये सारी डिटेल्स थी, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इस तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहे, कीप एवरीवन कीप सपोर्टिंग, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको मेरे न्यू न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट, टाटा, लव यू ऑल।